आज अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। देखिए, अभी इलेक्शंस का माहौल शुरू हो चुका है और मेरा सीधा सा व्यू रहा है कि स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। एकदम क्लियर व्यू है मेरा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपका ये व्यू है कि स्टूडेंट्स को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपके इस व्यू का भी पूरा समर्थन करता हूँ। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में पॉजिटिव तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। खास करके मेरे से लगभग 2000 लोग जुड़ रहे हैं अभी, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय 2000 लोग करीब करीब मेरे से जुड़ रहे हैं। मैं इन अपने कम से कम इन 2000 लोगों से बोलूँगा कि आप लोग जो देश की जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि हमारा देश समस्याओं में डूबा पड़ा है। हमारे देश ने इन सालों में आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद अपनी कई सारी समस्याओं को खुद अपने दम पे सॉल्व किया है, कई कुप्रथाओं को ख़त्म किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ अभी भी है। हमारे यहाँ वो कुप्रथाएँ, हमारे यहाँ वो बुराइयाँ आज भी बची हुई है। तो हम लोगों का कर्म है कि उन बुराइयों को और उन जो बेकार की चीज़ों हैं चीज़ है उसको कैसे धीरे धीरे करके ख़त्म करें और अच्छी चीज़ों को कैसे लाएं। तो यहाँ मैं साफ बात करना चाहता हूँ कि वी स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स यानी कैसे? आप हमेशा देखेंगे कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग या बिल्कुल जिनके पास समझदारी नहीं है वो लोग राजनीति में हैं और वो पब्लिक सर्वेंट्स को गाइड करते हैं। और हमारी जो यहाँ पे पढ़ाई है जनरली, वो हमारी पढ़ाई है पब्लिक सर्वेंट्स बनने की और नौकरशाह जो है उसको उसकी बनने की पढ़ाई है। और हमारे ऊपर ऐसे लोग रूल करने लगे जो कि बिल्कुल लायक ना हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हर कोई इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, तो आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें? देखिए, अभी कुछ समय के बाद फेक न्यूज़ की बौछार होगी, हर सोशल मीडिया से गलत न्यूज़ आएगा। अभी बालाकोट वाला हमला हुआ था, ये देखिए अपने आप में यही बहुत बड़ी बात थी कि भारतीय सेना वहाँ गई और वहाँ पे जाके वो बॉम्ब गिरा के आई। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही इसके पॉलिटिक्स में फ़ायदा उठाने की बात थी। लेकिन मेरे एक मित्र ने, जो कि वो खुद भी इंजीनियर है, मेरा साथी है, बैचमेट रहा है वो और बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है, उसने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें कि लोग भाग रहे हैं और उसके मिसाइल्स वहाँ पे जाके अटैक कर रही है। मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा कि वो एक वीडियो गेम का सीन था जिसको कि इस तरह से शेयर किया गया था। इस तरह बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है वो आएगी मार्केट में, बहुत सारी बिल्कुल बकवास चीज़ें होगी, बिना ऑथेंटिकेशन चेक किए हुए बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। हम लोग जिनके पास तकनीकी जानकारी है, अगर आप YouTube देख रहे हैं तो हमारे पास तकनीकी जानकारी है, बहुत सिंपल है उन चीज़ों को सॉल्व करना। बस गूगल करिए, जो भी न्यूज है उसको टाइप करिए और आप जो गूगल करके उस चीज़ को टाइप करेंगे उससे आपको लगभग लगभग सही न्यूज आपको मिल जाएगी। तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपने सर्किल के लोगों को जो भी न्यूज है, क्योंकि हम ऐसी कम्युनिटी हैं कि हम सब लोग हमेशा हर मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, हमेशा रेगुलर पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और हमेशा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को लेके चलते हैं। तो हम अपने आसपास के लोगों को कम से कम सही बात बताएं, ये हमारी जिम्मेवारी है। पॉलिटिक्स में हम इतना पार्टिसिपेट अगर करें तो भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लगभग 90 करोड़ लोग इस बार वोटिंग राइट्स का यूज़ करेंगे, अपने मताधिकार का यूज़ करेंगे। तो जो जहाँ पर हैं, जितने लोग जहाँ पर हैं, वो लोग वहीं पे लोगों को शिक्षित करें। आप चार्ट बनाएं जो कि जाति धर्म से आधारित चार्ट ना हो, जिसमें कि आप देखें कि किस आदमी ने कितना अच्छा काम किया है या उसके ऊपर कितने केसेस हैं, और बिना जाति धर्म या चुनाव चिन्ह देखे हुए जो अच्छा उम्मीदवार है आप उसको वोट करें। आप इवन पॉलिटिकल पार्टी भी ना देखें, अगर निर्दलीय कोई अच्छा है तो आप निर्दलीय को वोट करें, और धन बल, बाहुबल या जाति वगैरह उससे अलग हट के अगर आप वोट करते हैं तो ये सही मायने में देशभक्ति होगी और सही मायने में आप देश की सेवा कर पाएंगे। आज मैं है ना खरदुंगला, बड़ा अच्छा कुछ नाम है, मैं
भूल रहा हूँ उसको, मेजर शैतान सिंह के बारे में बीबीसी ने बहुत अच्छा वृत्तचित्र बनाया है। 124 जवान जो हरियाणा के थे वो चाइनीज से लड़ने के लिए खड़े थे 1962 की लड़ाई में, और पूरे 124 के 124 जो है वो मारे गए थे, और सब लोगों ने पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया था। सब लोगों के जब उनकी डेथ हुई, सब लोगों के हाथ में राइफल थी, आधी उड़ी हुई आधी जली हुई, और एक चरवाहे ने जब वहाँ पे उन लोगों को देखा था तो सबसे पहले ये मालूम हुआ कि ये इस तरह की बातें हुई, नहीं तो लोगों को ऐसा ही लगा था कि वो भाग गए या फिर वो पकड़ लिए गए या युद्ध छोड़ दिया। लेकिन भारतीय सेना की आज जो इज्जत होती है वो इसी बात को लेके होती है कि उन्होंने कभी पोस्ट नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाया। और उसी तरह हमें अपने किसानों की भी इज्जत करनी है, क्योंकि हमारे किसान हैं वो भी कभी भी अपने जगह को नहीं छोड़ते, और हम भी ऐसा ही कुछ हमें भी करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।